क्या हो गया तुसी को? तो टाइम का जून क्यों चल रहा है? इतनी बड़ी गाड़ी के सामने टकरा कर से क्या हो रहा था तुमको? हमारे घर रोने लग गए जब लेट आया ना नंगे शर्ट उतार के पोस्टमार्टम करते ना तो वो सब याद आ रहा था, सब गीला गीला सब लगाया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो गाइस आ चुके नए ब्लॉग के साथ और आज है हमारा दिन। तो आज हम लोग को मतलब रेडी हो गए हम लोग और मम्मी आज गए थे डॉक्टर के पास अब्बा को लेकर। तो अब्बा की तबीयत आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो रही है, सही हो रही है, क्या हो रहा है क्या उनके साथ, उनके साथ क्या हम सबके साथ यही हो रहा है आजकल, क्या पता। तो क्या पता हमारे साथ क्या हो रहा है, आईसल ख़राब है, कभी हम लोग ख़राब है, कभी आंटी, कभी तैसे मिलती, कभी मेरी मम्मी, कभी अब्बा, सबके क्या चल रहा है क्या मन समझ में नहीं आ रहा है। तो अब्बा शायद से रो रहे थे, मम्मी बोले कि अब्बा का कुछ टेस्ट वेस्ट कराया है हार्ट का, तो उसमें अब्बा रो रहे थे। तो मेरे को फ़ोन किया था, हम जल्दी रेडी हो गए हैं क्योंकि अभी हम लोग को जाना है दूसरे काम के लिए। तो पहले अब्बा को, अब्बा से मिल लेते हैं और आइजल को भी यार डॉक्टर को दिखाना है। तो चलो ऐसा लगा अपना पूरे घर में ना, घर से डॉक्टर, डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, देखना ऐसा ही हो गया यार। कभी इसको ले गया, कभी अभी अंकल को दिखा दिए, शाम को लेके जाओ, मतलब ऐसा हो गया दिन में दो बार डॉक्टर के जाओ, चक्कर मारना ही पड़ रहा है सब से। कोई नहीं गाइस, अल्लाह अच्छा कर देगा, अल्लाह सिर्फ वो ले रहा इम्तिहान ले रहे। सही बात बोल, देख रहे उतना कितनी ताकत है और अब्बा के नजर आनी है क्योंकि अब्बा बहुत 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 डरते है। सिर्फ उनका टेस्ट हुआ तो वो रो रहे थे, मैं होती तो मैं तो और रोती, लेकिन मैं अब्बा के ना, अब्बा मैं एकदम बोलते हैं कनेक्टिविटी है हम दोनों में। मैं ऑपरेशन थिएटर में थी तो मैं रो रही थी, अब्बा को याद करते करते, अब्बा भी शायद मेरे को याद करते करते रो रहे होंगे। और डॉक्टर से भागते भागते अभी डॉक्टर उनको बुला रहे हैं तो और डर रहे, मतलब डर रहे। सही बात है। ए बटाटी क्या कह रहे तुमने, कंधे बटाटी बोले बच्चे को। तो गाइस चलो जाते हैं जल्दी, पहले घर पर मिल लेते हैं अब्बा से, फिर जाते हैं आइजल के डॉक्टर के पास। और गाइस आज हम लोग को हमारे घर का कलर भी डिसाइड करना है, तो वो कलर भी डिसाइड कर लेते हैं और घर पे भी जाके देखना है क्या क्या काम हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा है। चलो पहले कलर लेने भी आज जाएंगे, कलर फिक्स कर देते ना, नहीं हुआ है कलर अभी, आज नहीं हो पाएगा क्योंकि आज दोनों बाजू जाने का। अरे तो घर पे से डायरेक्ट इसके तो मैं लेट लिया अपॉइंटमेंट उसका। चलो ठीक है फिर कलर का भी देख लेता हूं। हां चलो कलर का नंबर लेना है, याद रखना, दिमाग में रखना कलर का। फोटो ले लूंगी मैं। चलो ए वो खाने की चीज है, खा रही है दो। हां गुड, सी फाइल दो ऐसा फेंक दियो उसमें। चलो वो नहीं सब सिखाना था, मैं एबीसीडी कितने टाइम बाद ये तीन आए हैं क्या? अभी रो रही थी। बाप कैसी है? बाप कैसी है? चलो चलो आई गए ब्लॉग। हम लोग आ गए घर पे और यहाँ पर अब्बा का मूड ऑफ ऑफ है। अब्बा क्या हो गया तुसी को, नजर लग गई खाने पे? जब उसने बोला ना कि तुम्हारा क्या बोलते हो सर, अरे इनको ना जब डॉक्टर ने बिठाया ना तपासने के लिए, तो तभी ना इनकी हवा टाइट हो गई थी, हाथ पे कांप रहे थे। तो डॉक्टर ने, और उसकी ना नर्स थी ना डॉक्टर की, तो उन्होंने तपासे, तो उसने ना चेक किए ना, तो उन्होंने ना उसको समझ में नहीं आया बीपी का, तो फिर डॉक्टर को उन्होंने बोले कि तुम मतलब बीपी कुछ समझ में नहीं आया, तो डॉक्टर डर गए कि हाथ में चेक करे और उसके हाथ में नर्व्स लगा दी, तो उनकी हार्ट जो नर्व्स होती ना वो 50 और 60 चलने लगी। अच्छा डाउन चलने लगी, तो डॉक्टर ने फिर ना हार्ट का तपासा, फिर हार्ट में भी उनको पता कुछ हो रहा है, तुमको नॉर्मल लग रहे हो ना, कुछ परेशान कुछ घबरा के सब कुछ नहीं हो रहा है, नॉर्मल बैठा हूँ। तो बोले मेरे को अभी ना तुम ECG की ना रिपोर्ट निकाल लो, बोले अगर ला सकते हो तो अभी सामने ही है, बोले जेल का की कोई है वहाँ। तो खून टेस्ट करने के लिए गए ना ECG, तो टाइम का जून क्यों चल रहा है, इतनी बड़ी गाड़ी है सामने टकरा कर उससे, मैं बोली फोन क्यों नहीं चल रहे हो, क्या हो रहा था तुमको? हमारे घर रोने लग गए। अरे वो जब लेटा ना शर्ट उतार गया उसने, हाँ मैं वीडियो कॉल करे मम्मी ने, तो देखिए क्या कर रही है, बाप रे बाप, ऐसा लगा कि मौत के मुंह में आ गया जैसे। मैं डर अब्बा डर, डर नहीं करने का नहीं, मैं बीमारी से नहीं, मैं इसलिए डरता है पूरा घर है परेशान हो जाता है। कौन परेशान हुआ, तुम्हें खुद हो रहे हम लोग को थोड़ी, वो तो मम्मी ने जिद करे चलो डॉक्टर के, तुम तो वो भी नहीं जा रहे थे आज, गोली दिया ना उसने, बोला कि गोली से ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना नुकसान भी नहीं होगा, वो तो अच्छा गए, परसों की दवा दी उन्होंने, 3 महीने कोर्स दिए, माशाल्लाह से खत्म हो जाएगा, 10 दिन खा के देखो, अगर चक्कर कम नहीं हुआ ना तो फिर और टेस्ट देगा। मैं हम लोग गाँव जाने गए, तो बोले हाँ 10 दिन के बाद जा रहे हो, मेरे को छोड़ के वहाँ जब लेटा बहनों की याद आ गई, उसने बोला क्या हुआ मतलब कॉलर से याद है ना, बोले कुछ भी ना आराम करो तुम ले से जाओ, लसन पिघल गया बाकी इनको क्वेश्चन। अरे ये नॉर्मल डॉक्टर जो रहते वो लोग सिर्फ नॉर्मल ही देते, सर्दी मिठी ये सब की दवाई देते, बाकी जिस जो बीमारी रहती है वो स्पेशल डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता। सुबह कितना मना करे
तुम रोएंगे तो हम लोग भी रोएंगे ही ना पाया, तुम हिम्मत रहेगी तो हम लोग को भी हिम्मत रहेगी। घर का मजदूर इंसान वाले कौन हैरान नहीं हुआ। मैं आता रुको, मैं आ रहा हूँ, बोले गाँव क्या करने जाते, बोले इधर आ जाओ, बोले ये नॉर्मल। तुमको पहले भी तो कोलेस्ट्रॉल हुआ है यार, ये डरते देखना, बहुत डरते। उससे जब लेटा है ना शर्ट उतार के तो अजीब, सोचो मेरा ऑपरेशन कैसा होगा। पोस्टमार्टम करते ना तो वो सब याद आ रहा था, सब गीला गीला सब लगा है। तुमको ये तो देख का से का पिक्चर पिक्चर हां ये पिक्चर है वैसे ही ये पिक्चर का दिमाग है। मैंने क्या मोबाइल में मैं भी चक्कर क्यों आ गया, बोले क्या चीज ज्यादा वो करते हैं। मेरे बकरों में रहे खुजली का, खुजली है ना, बोले कोलेस्ट्रॉल खुजली नहीं आती है तो बकरों में रहते हैं ना, उससे उनको जो इन्फेक्शन होता है उससे खुजली आ रही है इनको। और मैंने यहाँ पे चक्कर क्यों आ रही है, तो बोले मोबाइल वगैरह, बोले हाँ मोबाइल बहुत देखते, उनको अवॉइड करो सर मोबाइल देखने का, मोबाइल ले लेंगे जमा कर लो। कंटिन्यू देखते ऐसे लेके यूं उबल के देखते रहते, ऐसा भी इंसान लेट कैसा देखे। अब्बा हिम्मत रखोगे तो आगे बढ़ोगे। अब्बा को गाइस मलेरिया भी हुआ था तो अब्बा ऐसे ही रोते थे। इधर हार दे, हार जाते, डर के आगे जीते। अब्बा मैं भी ऑपरेशन थिएटर में जाके आई हूँ, वो टाइम मेरे को भी फील हुआ था कि मैं मर जाऊंगी, तो इसके लिए हिम्मत रखने का। ऐसा नहीं सुनते कि मैं मर जाऊंगा, कुछ हो जाएगा मेरे को, घर वाले परेशान हो गए। तो गाइस सर ये तो छोटी छोटी टेंशन रहती है, बस दुआ करो। बोलता मैं इसको कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल जिम जा ही नहीं रहे ना, छोड़ दिया अभी जाना। अच्छा इसके लिए कुछ हो जाए, पहले बोलते थे आंटी की टेंशन थी, आंटी की टेंशन थी, अभी खुद की टेंशन होंगे, टेंशन हो गई। हाँ जाओ, अच्छा है गाँव जाके आओ, बहनों के पास रहो थोड़ा, वहाँ पर भी झगड़े करके नहीं आना, वरना तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल और हाई हो जाएगा। अब्बा को याद आ रहा है, वो ऐसे मेरे को याद आता है, मेरा ऑपरेशन का दिन तुमको याद आ रहा है ना, हार्ट में ऐसा ऐसा हो जाता है। बोला तुम आराम से लेटो, हिलो मत, कुछ भी नहीं है, टेंशन मत, ऐसा गीला गीला लगाया। आंटी को तो एमआरआई मशीन में घुसाए थे, सब बच्चा है, सब चीज। हम लोग घर से निकल चुके हैं, जैसे मैंने आप लोग को बोली मुझे पेंट कलर का ही लेना है, तो यहाँ पर एशियन पेंट का दुकान है स्पेशली, यहाँ पर सिर्फ एशियन कलर ही मिलते हैं, तो अभी जाते हैं उधर, मम्मी ने लेके आ गए हैं हम लोग को दुकान पे। चलो यहाँ से कलर डिसाइड, हाँ देखना एशियन पेंट। आंटी कलर डिसाइड कर रहे हैं, आंटी कुछ कलर डिसाइड हुआ? Yes, yes. बहुत ऑप्शन तो देखो, देखो गाइस सब हवा हवा आ गया। तुम पसंद किया कलर? कंफ्यूज हो जाते कलर के अंदर, कितने इसके लिए हमने क्या करे पता है, फोटो ले लिए कलर के, 2000 कलर है, 2000 में से 2 पसंद तो फोटो के अंदर अलग दिख रहा था और रियल में अलग दिख रहा था, मैं अपने फोटो के हिसाब से ही कलर कर रहे हैं ना, सही है, हाँ। तो इसके लिए उन्होंने अच्छा लगा। चलो ठीक है गाइस, अभी जाते हैं आइजल के डॉक्टर के वहाँ, फिर आप लोगों को आ गए, पहुँच चुके हैं डॉक्टर के वहाँ, इधर आइजल सो चुकी है, आइजल सो गई, चलो अभी अभी डॉक्टर चेक कैसा करेंगे, चलो ठीक है गाइस अभी जाते हैं डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर क्या बोलते हैं आप लोग को दिखाते, फिर जाते अपने नवेले घर पे। पूरा नहीं है, इसमें से निकालो, खुशी तो देखो पर। हम लोग आ गए हमारे नवे घर पे और हमारा टीवी यूनिट भी जो है वो बन चुका है, बस हम लोग का काम एक चीज से रुका हुआ है कि हमारी किचन की और टीवी यूनिट की सरमाई आ ही नहीं रही है, गणपति और अपने ईद मिलाद नबी के हिसाब से वो आ रहा नहीं, डीले हो रहा है, आज भी नहीं आया है। और मैं आप लोग को बता दूँ डॉक्टर ने क्या बोला आइजल को, तो आइजल परफेक्टली ठीक हो चुकी है, सैटरडे तक के सिर्फ एक दो दवा है, वो भी अगर खांसी हुई तो पिलाना, ना ऐसा नहीं पिलाना उसको, है ना। सही है, कैसा लग रहा है अभी घर? अभी घर कैसा लग रहा है? बन रहा ही नहीं घर, अच्छा कैसा लगेगा यार, काम बहुत स्लो हो गया है बनने के लिए ना, करना पड़ा कलर, कलर तो डिसाइड कर लिया, परसों
कबट आना बाकी, बेडरूम का बेड आना बाकी है, सरमाई बाकी, सरमाई लगना बाकी है, किचन किचन भी पूरा हो गया है बस। कितनी आ रही बिचारी को, सोई नहीं रही है। हाँ, अरे पैन बंद हो गया। अब्बा ने बकरी का बच्चा लेके आया। अच्छा अब्बा थोड़ी लाए। ए भागी आइजल, क्या है आइजल, इधर आओ। दानिश के पास अब मैं भी आया। दानिश, अरे इसका खिलौने खा जाएगा। दानिश मैमे, हाथ लगा मैमे को। आइजल मैमे, अरे नहीं कर रहा मम्मी। सानिया नहीं क्या? सानिया नहीं तो तू क्या काम नहीं कर रहा उसको? अभी 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 मार देगा। नहीं उठ रहा, क्या करूँ मम्मी? ऐसे मम्मी मार रहे नानी को, ये पकड़ो मैं मार देगा। हाँ मम्मी गया इधर, उसको उंगली करने जा रही हो। ए पेशाब कर दिया। सुसु कर दिया मम्मी ने कारपेट पे। करने वाला उसको पकड़ो मम्मी, मार रहा है मैं। ओयो ओयो ओले बोबले, ओले बोबले, ओले बोबले, टच करो टच करो। क्या टच करो, आई हेल्प टच करो उसको। वहां पर आप लोगों ने देखे थे कि मैम मैंने जो है वो कारपेट पे सुसु कर दिया था, तो मम्मी को मैंने बोली कि धुलवा दो क्योंकि बच्चे लोग सोते नीचे खेलते हैं तो कुछ भी सामान लेता तो मुंह में डाल देते हैं वो लोग, तो गंदा हो जाएगा, तो मम्मी भी वॉश करने जा रही है। आपा तुमको वॉश करने बोले क्या? इधर आओ, देख मैम आया, देख दरवाजे में मम्मी आया, देखा आया मैम में, जल्दी क्या जल्दी अब्बा को बोल जा मैम में लेके आओ, जा अब्बा को बोल क्या। हाँ जा। क्या वॉश कर रहे हो? वॉश कर रहे हो? धो तो देखो कैसा निकलता है क्या उससे। साफ कर रहा मम्मी भी, इतना हैवी उठा लिया अब्बा तुमने। बहुत हैवी है वो, बहुत हैवी है बाबा। गाइस हम लोग निकल गए हैं घर से बिकॉज अब्बा का थोड़ा मूड ऑफ था, तो अब्बा बोले चल एक बार राउंड मार के आते दरगाह पे जाके आते, कुछ खा पी के आते हैं, तो अब्बा का मूड साफ करने के लिए चल पी के आते हैं, जूस पी लेंगे। हाँ जूस पी लेंगे। हाँ देखो कैसा था तुमको, तुम ही बीमार हो, आंखें पूरी लाल लाल। मैंने बोला ऐसे इडली खिलाया मेरे को, अभी भी खाएगा, खा देखे। इडली तो डाइट की होती है ना, अच्छा था। कल अपन साथ में जाएंगे सब, आज तुम लोग सिर्फ ट्राई करने भेजे थे। कल मैं ले चलूंगा, तुम लोग खिलाना बस। ठीक है, तो गाइस अभी हम राउंड मारने ही निकले हैं, दानिश सो गया था इसके लिए लेट हो गया हम लोगों को, तो अभी उठा तो नींद में ही है डायरेक्ट। अमीर बस्ती गरीब बेटी देख ना कैसा बैठी है चुपचाप। अरे क्या बकरा था, यो मार रहा था इसको। हाँ हमारी आइसक्रीम आ चुकी है, हम लोग आ गए थे गोला पॉइंट पे, तो यहाँ पर दानिश गोला खा रहा है। मैंने मेरे लिए मंगाई थी, तुम क्यों खा रहे हो? तुम मेरे को क्या बोलता है मैं नहीं खाऊंगा, मेरी बेटी मंगती तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। और देखो मम्मी तुमने क्या मंगाया आज? मैंगो, अब्बा की तो ऑलवेज फेवरेट, क्या बोलते उसको, टूटी फूटी। अच्छा ठीक है, एंजॉय करो, दिल खुश रखो। कितना पकड़ लेंगे वो खाने। हाँ ठीक है।